हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज है हैप्पी जन्माष्टमी आप लोगों को भी, सभी को। तो आज जो है मैंने सुबह की सारी पूजा कर ली है, पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान करा लिया, शाली भवन को भी स्नान करा दिया और उनका पूजा भी कर लिए हैं। सुबह की पूजा हो चुकी है तो अब हम दिन भर, अभी काफी टाइम है तो करते करते शाम हो जाएगी। तो सारे भोग बनाने के बाद शाम हो जाएगी तो लड्डू गोपाल को फूल और खीरे में सुलाया जाएगा। तो 7 बजे शाम को सुलाएंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है फ्राई करने के लिए मखाने। तो मखाने मैंने लिए है 50 ग्राम। तो मखाने को हम अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो आपको बीच बीच में चलाते रहना है, चलाते ही रहना है मखाने को, क्योंकि कढ़ाई में सटने का डर रहता है। तो आप मखाने को छोड़े नहीं, तो आप मखाने को चलाते ही रहें, चलाते ही भूंजे। तो देखिए इधर मैंने सारे ड्राई फ्रूट जितने भी आप यूज करना डालना है पंचमेवा पाक में, तो आप ये सारी चीज़ को मैंने निकाल लिया है। काजू, किशमिश, चीनी, बादाम और ये खजूर वाले बीज होते हैं वो है, नारियल को। सारे ड्राई फ्रूट लेने के बाद मैंने सूखा नारियल को कद्दूकस से रखा है। तो इधर मखाने भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, क्रंची हो गए हैं। अब इनको हम बर्तन में निकाल लेते हैं। इधर कढ़ाई चला दिया, घी डालेंगे। सबसे पहले हम बादाम को फ्राई करेंगे, हल्के लाल करना है इनको, क्रंची कर लेना है। साथ में काजू इसी में फ्राई कर लेना है। पाक पंच मेवा बनाने के लिए अच्छे से आपको घी में ही भूनना है। कोई कोई क्या होता है कि सादे ही भून लेते हैं बिना घी के। तो पाक मेवा जब भी आप मिठाई प्रसाद बनाएं ठाकुर जी के लिए तो घी में ही फ्राई करें। तो यह देखिए काजू भी हम साथ में फ्राई कर लेते हैं इसी में। काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, कम समय ही लगता है। बादाम थोड़ा टाइम लगता है। इसी में हम किशमिश डाल लेंगे, 20 से 25 डाल लेंगे। काजू ब्राउन हो गया है तो किशमिश भी बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए हम लास्ट में किशमिश को डाले हैं। किशमिश भुनने के बाद फूले फूले हो जाते हैं, घी उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अब हम निकाल लेते हैं, अच्छे खासे ब्राउन हो गए हैं। इसी में नारियल को भी फ्राई कर लेंगे कद्दूकस से जिससे रहते हैं। तो हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है नारियल को। इसी में खीरे के बीज हैं, मगज के बीज है जो डाल देते हैं, क्योंकि वो अलग से भूजने पर चटकते हैं बहुत, हैं उछलते हैं। तो इस तरह से इसी में हम नारियल के ही में भूंज लेते हैं ताकि अच्छे से भूंजा जाए। तो ज़्यादा भूंजना नहीं, हल्का सा ब्राउन करना है। अब हम निकाल लेते हैं, ब्राउन हो गया है। अब हम चीनी पाक करेंगे। इधर देखिए सारे करंची हो गए हैं तो हम हाथ से ही तोड़ लेते हैं सारे। तो हाथ से सब टूट जा रहे हैं, 4 टुकड़े हो जा रहे हैं। आप चाहे तो ग्राइंड भी मिक्सर में कर सकते हैं। तो ज़्यादा पाउडर नहीं करना है, थोड़ी बारीकी ही रखना है। इस तरह से हम सारे को तोड़ लेते हैं। हाथ से ही बहुत जल्दी ही फ्राई टूट जा रहा है, जल्दी जल्दी टूट जा रहा है। चाहे तो आप चाकू से भी हेल्प कर ले सकते हैं। यहाँ मैं हाथ से ही सारे 4 टुकड़े कर ली हूँ, तो मैं इनको छोटे छोटे टुकड़े चाकू से ही कर लेती हूँ। आप चाहे तो ग्राइंड में ही इनको दरदरे पीस सकते हैं, मैं यहाँ चाकू से ही कर लेती हूँ। ज़्यादा महीन नहीं करना है, दरदरे ही रखना है, क्योंकि मेवा पाक बना रहे हैं तो ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद बन रहा है। तो इस तरह से आप दरदरे ही रखें, इसलिए मैं हाथ से ही इनको कटिंग कर रही हूँ। चाहे तो मिक्सर में ज़्यादा बारीकी नहीं होता है। यहाँ मैं 2 कटोरी चीनी ली हूँ पाक करने के लिए। 2 कटोरी चीनी में 1 कटोरी आप उसका हाफ पानी लें तो बहुत जल्दी ही पाक हो जाएगा। तो पाक को आप चलाते रहें, छोड़ना नहीं है। तो देखिए कितने अच्छे पाक हो गए हैं, 1 से 2 तार बननी चाहिए। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, 1 से 2 तार बन चुकी है। अब इसी में हम सारे ड्राई फ्रूट को डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा यहाँ जल्दी करना पड़ता है क्योंकि चीनी का पाक बहुत जल्दी ही बह सूखने लगता है। तो थोड़ा सा गैस बंद करने के बाद मैंने डाली थी, उसके बाद मैं अब गैस को हल्के लो फ्लेम में चलाने के बाद मैं इनको थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है तो हल्का पानी छोड़ेगा, उससे कोई माइंड नहीं है, ये एक चॉप हो जाएगा। तो हम इलायची डाल लेते हैं, इलायची के थोड़े से कूट भूख कर हम डालेंगे। अगर आपको स्वाद इसका पसंद है तो आप डाल सकते हैं, या तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर हम 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम गैस को कर लेंगे बंद। हल्की सी ठंडी होने के बाद मैं थाल में निकाल लूँगी। अगर आपके मिठाई के ट्रे हैं तो उसमें भी निकाल सकते हैं, या तो आप थाल में निकाल लीजिए, जैसा शेप देना चाहते हैं, मोटे पतले। तो यहाँ मैं मीडियम साइज़ रखने वाली हूँ।
अब हम गैस बंद करके उतार लेते हैं चूल्हा पर से। तो यहाँ हम देखिए एक थाल में हम इनको अच्छे से बिछा लेते हैं, ज़्यादा मोटे पतले नहीं करना है। तो उसके पहले हम घी लगा लेते हैं ताकि बाद में जो सूखने के बाद अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ हम थोड़े से घी लगा लेते हैं। उसके बाद सारे थोड़ा सा गर्म रहने के बावजूद ही इनको बर्तन से बाहर निकाल कर इस तरह से आपको अच्छे से फैला देना है। थोड़ा जल्दी इसमें करना रहता है क्योंकि बहुत पाक चिली पाक जो है जल्दी जल्दी सेट होने लगता है। तो यहाँ चम्मच के हेल्प से हम अच्छे से बिछा लेते हैं। तो ठाकुर जी के भोग प्रसाद मेवा पाक पंच मेवा। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया और रेसिपी पसंद आया हो। और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए।